हो, काली गर्दन हो या फिर हाथों पैरों के लिए आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में मिलने वाले किसी भी महंगे स्क्रब से बिल्कुल भी कम नहीं है ये स्क्रब। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले ली है कॉफी एक चम्मच, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि कॉफी जो है हमारे स्किन को इंस्टेंट ब्राइट करता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक चम्मच शुगर को ले लिया है। जितना जो है आप कॉफी लोगे उतना ही आपको शुगर लेना है, सेम रेशियो आपको रखना है। उसके बाद हाफ लेमन के करीब जो है इसमें मैं अच्छी तरीके से स्क्वीज कर ली। लेमन जो है तेजी से मैल काटने की सलाहियत है इसके अंदर, ये जो है तेजी से मैल काटता है। उसके बाद जो है ये सारी चीजों को हमको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो कितना आसान है ना घर पे ये स्क्रब बनाना, और ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से हमको मिक्स करना है। मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रस्ट मी गाइस, ये एक ऐसा स्क्रब है जो किसी भी महंगे स्क्रब को मात दे सकता है। ये जो है आपकी स्किन पे एक्सफोलिएट की तरह काम करेगा, डेड स्किन सेल को रिमूव करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म हो जाएगी। इसमें मैंने लेमन को ऐड किया है। लेमन जो है नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है हमारे स्किन पे। उसके बाद जो कॉफी है ये हमारे स्किन को इंस्टेंट ब्राइट करती है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको अगर काली गर्दन है या फिर जो है टैनिंग हो रखी है हाथों पैरों पे जो है, आप नहाने से जो है 15 मिनट पहले इसको लगा लीजिए। उसके बाद अच्छी तरीके से जो है हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए इसको उतार दीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, फर्स्ट यूज से ही आप देख पाओगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिले हैं, और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए वीक में इस रेमेडी का इस्तेमाल 2 बार जरूर करें। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो लेमन को आप स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप रोज वाटर का इस्तेमाल कीजिए। और सेम मेथड से जो है अच्छी तरीके से आपको स्क्रब करना है, 15 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जब आप नहाने के लिए जाए तब आप इसका इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर है। काली गर्दन हो या फिर हाथों पैरों पे टैनिंग हो रखी है तो बहुत ही इजीली जो है इसको रिमूव करता है, डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपके स्किन को जो है एक्सफोलिएट करता है। अच्छी तरीके से जो है स्क्रब करने के बाद अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लीजिए। उसके बाद जो है मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि उसके जो है आपकी स्किन अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज रहेगी। आई होप फ्रेंड्स आज की सिंपल सी एंड इफेक्टिव रेमेडी आप लोगों को पसंद